हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हमारा आज का सेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 के लिए है जहां हम लोग टॉप टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू एंट्रेंस टेस्ट तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है मैच लिस्ट वन विध लिस्ट टू इसी पैटर्न पे हम सारे टेन डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि अब जो एग्जाम पैटर्न है ना उस उसपे दो तरीके से क्वेश्चंस पूछता है एक एजर्शन रीजन से रिलेटेड पूछता है और एक मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड पूछता है तो दोनों ही पैटर्न पे क्वेश्चन आपके लिए बहुत रिलेवेंट है पहले देखो पूछा है कि बाली पैकेज बाली पैकेज बेसिकली किससे रिलेटेड है डब्लू से टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन द एरिया ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल अब देखो ट्रेड एंड कैपिटल की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन दिया है उसका उसमें फुल फॉर्म है यू एन सी टी एडी का यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट तो ये बेसिकली ट्रेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो बी का आंसर हो जाएगा फर्स्ट देन इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन अमंग मेंबर कंट्रीज नो डाउट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा है एंड प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर बिल्डिंग कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी का करेक्ट आंसर होगा वर्ल्ड बैंक तो एज पर गिवेन ऑप्शन करेक्ट आंसर है सी और इसी सीक्वेंस में हमने आंसर बताया भी है किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एम कॉम एंट्रेंस एग्जाम जो हो रहे हैं सब में इस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है नेक्स्ट अगेन देखो मैच द फॉलोइंग है हमारे पास लिस्ट वन दिया है ऑप्शन स्ट्रेटेजीज एंड लिस्ट टू दिया है डिस्क्रिप्शन प्रोटेक्टिव पुट प्रोटेक्टिव पुट में बेसिकली क्या होता है कि आप असेट तो खरीदते हो बट उसमें आगे पुट का ऑप्शन होता है दैट इज बाइंग एन अट अलोंग विद पुट ऑन इट एंड कवर्ड कॉल में भी हम असेट खरीदते हैं बट कॉल का ऑप्शन के साथ राइटिंग अ कॉल पोजिशन ऑन एन असेट अलॉन्ग विद बाइंग दसेट कि आप असेट तो खरीद रहे हो बट साथ ही साथ उसमें कॉल पोजिशन मैंशन है देन लॉन्ग स्ट्रैडल लॉन्ग स्ट्रैडल मतलब जहाँ पे आप कॉल भी खरीद रहे हो पुट ऑप्शन भी खरीद रहे हो मतलब कॉल पुट दोनों ऑप्शन साथ में खरीद रहे हो एंड सेम एक्सरसाइज प्राइज पे परचेज करोगे और स्प्रेड मतलब तो डिफरेंस होता है दैट इज कम्बाइनिंग टू और मोर ऑप्शन ऑन द सेम अट विद डिफरिंग एक्सरसाइज प्राइजेस और टाइम्स टू मचॉरिटी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी और इसी सिक्वेंस में हमने मैच कराया है नेक्स्ट अगेन एक और मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ यू से बहुत रिलेवेंट है ये इन डेस ट्वेंटी वन है वैसे तो हमने इन डेस प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड जो भी नेम्स हैं वो अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं वो क्लास के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इन डे एस ट्वेंटी वन ये किससे रिलेटेड है ये रिलेटेड है इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट और फॉर एक्स रेट इन डे एस टू ये है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज इन डी एस थ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट इन डी एस नाइन रेवेन्यू रिकॉग्निशन तो करेक्ट आंसर होगा बी अब यहाँ देखो लिस्ट वन में हमारे पास ब्रांड का कॉन्सेप्ट दिया और लिस्ट टू में मीनिंग दी है तो ब्रांड इमेज ब्रांड इमेज का मतलब होता है इमेज ऑफ द ब्रांड इन द कस्टमर्स माइंड मीटिंग देयर सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स ब्रांड फीलिंग्स कस्टमर्स इमोशनल रिस्पॉन्स एंड रिएक्शंस विद रिस्पेक्ट टू ब्रांड ब्रांड पोजीशन डिलिबरेट अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ मार्केटर ऑफ द ब्रांड टू क्रिएट अफ कस्टमर मतलब ब्रांड पोजिशन बेसिकली क्या होती है जहां पर कंपनी ये ट्राई करता है मार्केटर यह ट्राई करता है कि कैसे अपनी यूनिक पोजिशन कस्टमर के माइंड में हम सेट कर सके एंड ब्रांड साइलेंस हाउ कस्टमर थिंक ऑफ द ब्रांड अंडर वेरियस परचेज सिचुएशन मतलब सिंपली जो आपके ब्रांड को लेके लॉयल होंगे वो बिना कुछ बोले आपके ही ब्रांड को हमेशा परचेस करेंगे क्लियर तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नेक्स्ट अगेन हमारे पास दो लिस्ट दी है एक कॉन्सेप्ट की और एक डिस्क्रिप्शन की एन्यी एनटी का मतलब होता है अ फ़िक्स्ड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ मनी पेबल और रिसीवेबल एट पीरियोडिक इंटरवल्स इवनली स्पेस्ड ओवर टाइम मतलब एक फ़िक्स्ड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ मनी जो आपको मिलनी है या आपको पे करनी है उसको हम कहते हैं एनुइटी टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाइडली यूज इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस इन डिटरिनेशन ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट्स फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड एट अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसलिए यूज करते हैं सो दैट हम लोग ये कैलकुलेट कर सके कितना पेमेंट आपको करना है मंथली इंस्टॉलमेंट में बेसिकली ई एम आई बनाने की बात हो रही है नेक्स्ट इक्वेटेड कंपाउंडिंग प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट पीरियड आफ्टर पीरियड ऑनविन सम्पेसिफिक रेट फॉर स्पेसिफाइड टाइम एंड ई एम आई नो डाउट ई मतलब क्या होता है जो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होती है कि आपको अपने लोन के अगेंस्ट कितना एक्चुअल पेमेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अ फिक्सड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ मनी पेबल और रिसिवेबल एट अ पीरियडिक इंटरवल्स ऑफ टाइम इक्वल टू ऑफ मनी द अमाउंट ऑफ लोन दैट इज प्रिंसिपल एंड अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में और इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में आपकी प्रिंसिपल अमाउंट भी होती है एज वेल एज इंटरेस्ट अमाउंट भी इंक्लूडेड होती है इसका करेक्ट आंसर होगा डी लॉन्ग रन सर्वाइवल ये बेसिकली किसका ऑब्जेक्टिव है यहाँ लिखा ऑब्जेक्टिव बिजनेस फर्म्स एंड इकोनॉमिस्ट बिजनेस फर्म का ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग रन सर्वाइवल और ये किस इकोनॉमिस्ट ने कहा था रॉथ्स चिल्ड के डब्ल्यू सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन ये बाउमूल का है फर्म्स ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन मैरिस रॉबिन मैनेजेरियल यूटिलिटी फंक्शन मैक्सिमाइजेशन विलियमसन करेक्ट आंसर होगा सी नेक्स्ट यहाँ देखो हेजर्स अब हेजर्स की बात करें तो ये कमर्शियल प्रोड्यूसर्स होते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स इन इंडिया इनका काम होता है वोलाटिलिटी को इंक्रीज करना आर्बिट्रेजर्स ये हमेशा रिस्क लेस प्रॉफिट करते हैं मतलब प्रॉफिट तो अर्न करते हैं बट रिस्क इनका जीरो होता है एंड कमोडिटी फ्यूचर इन ओरिजिन ओसाका बेसिकली इसका स्टैब्लिशमेंट ओसाका जापान में हुआ था इन नाइन इन सिक्सटीन और इसका करेक्ट आंसर होगा टू नेक्स्ट दो लिस्ट दी हुई है और इस पर हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है जब हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की क्लासेस अपलोड की थी एक्चुअल डिलीवरी एक्चुअल डिलीवरी मतलब होता है फिजिकली ओवर ऑफ द पजेशन ऑफ द गुड्स बाय द सेलर टू द बायर क्योंकि पे एक्चुअल डिलीवरी दे रहे हो तो आप उनको हैंड ओवर कर रहे हो गुड्स को देन कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी इसका मतलब होता है एक्नोलेजमेंट बाय थर्ड पर्सन इन पजेशन ऑफ गुड्स टू होल्ड देम ऑन बिहाफ ऑफ एंड एट द डिस्पोजल ऑफ द बायर्स कि मतलब किसी ना किसी फॉर्म में आपको एक्नोलेजमेंट मिल जाएगा कि आपके बिहाफ पे गुड्स होल्ड किया गया है सिम्बॉलिक डिलीवरी जहां पे आपको कीज वगैरह मिल जाती है आप अपनी मर्जी से गुड्स को ट्रांसफर करते हो क्लियर इसका करेक्ट आंसर होगा बी नेक्स्ट या देखो इवेंट्स दिया और ईयर दिया है ब्रिटोन वुड्स कॉन्फ्रेंस ये हुआ था 1944 फोर्टी फोर देन गैट स्टैब्लिशमेंट नाइनटीन फोर्टी एट मल्टी अग्रीमेंट 1974 WTO कब replaced किया को? 1995. इसका correct answer होगा देखो सबसे पहले बोला है dispersion. तो बेसिकली किसको शो करता है स्प्रेड को और हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन गिवन डेटा देन कार्ल प्य मेजर ऑफ स्क्यूनेस अब कार्ल पियर्सन की बात करें तो इसमें जो फॉर्मूला था कार्ल पियर्सन का वो पहला था मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन और जो मीडियन से था वो था मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन तो बेसिकली यहां पे हम लोग एवरेजेस पे फोकस करते हैं तो करेक्ट आंसर होगा बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेजेस देन बाउलेज मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस बाउलेज मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला था वो था कोटाइल क्यू थ्री प्लस क्यू वन डिवाइडेड बाय ब्रैकेट क्लोज माइनस टू मीडियन

माइनस परसेंटाइल टेन तो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है परसेंटाइल पे तो करेक्ट आंसर होगा यूजिंग परसेंटाइल और भी कई सारे इसके फॉर्मूलाज थे जो कि बेसिकली डिसाइल से रिलेटेड थे और क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में डिसाइल नहीं दिया हुआ है तो हम किस पे फोकस करेंगे सिर्फ परसेंटाइल पे इसका करेक्ट आंसर होगा सी नेक्स्ट एक्शनेबल क्लेम रिकवर्ड ओनली बाय मीन्स ऑफ अ सूट और एन एक्शन एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स सेपरेटिंग द गुस सोल्ड फ्राम अदर गुड्सो हैज टू डिटरमाइन एंड आइडेंटिफाई द एचअल गुड्स टू भी डिलीवर्ड यही होता है अप्रोप्रिएशन अनएप्रोप्रिएशन ये सब हमने पूरा बताया हुआ है एक्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम एक्जिस्ट करे दैट इज गुड्स ओन बाय द सेलेट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रक्ट ऑफ सेल एंड फ्यूचर गुड्स वो होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम एक्जिस्ट नहीं करता बल्कि आपको मैन्युफेक्चर करना होता है गुड्स टू भी मैनुफेक्चर आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होप फुल आप लोगों ने हमारी जितनी भी लॉ से रिलेटेड एमसीक्यूज क्लास है वो कवर की होगी क्योंकि वहाँ पे हमने सबका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है इसका करेक्ट आंसर होगा डी नेक्स्ट सेक्शन टेन सबसेक्शन वन ये एग्रीकल्चरल इनकम से रिलेटेड है सेक्शन टेन सबसेक्शन टेन सी अमाउंट रिसीव्ड इन वॉलेंट्री रिटायरमेंट सेक्शन टेन सबसेक्शन थर्टीन ए एच एंड सेक्शन टेन सबसेक्शन टेन डबल ए लीव इन तो ए का हो गया सेकंड, बी का हो गया फर्स्ट सी का हो गया फोर एंड डी का हो गया थर्ड तो करेक्ट आंसर होगा टू नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे नेचर ऑफ कमोडिटीज एंड इनकम इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड दिया हुआ है नॉर्मल गुड्स की बात करें तो नॉर्मल गुड्स का जो ईडी है वो बेसिकली क्या होता है ग्रेटर देन जीरो क्योंकि पॉजिटिव गुड्स सिंपली यहां देखो क्वेश्चन में हमसे बोला है इनकम इलास्टिसिटी और इनकम के साथ नॉर्मल गुड्स का कैसा रिलेशन होता है ऑलवेज पॉजिटिव तो ग्रेटर देन जीरो और पॉजिटिव इनफीरियर गुड्स का ऑलवेज नेगेटिव दैट इज लेस देन जीरो इसका हमेशा ग्रेटर देन वन होगा एंड नेसेसिटीज का जीरो से लेकर के वन तक होगा नेसेसिटीज में हमने बताया भी ना कि जनरली जीरो होता है बट जीरो टू वन लाई कर सकता है तो करेक्ट आंसर होगा फोर नेक्स्ट इंडियास वन ये होगा हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिया ट्वेंटी नाइन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज इंडियास थर्टी सेवन प्रोविजन कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टिंजेंट असेट्स एंड इंडिया टेन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सब लर्न करने वाला है सब सारे पे हमने ऑलरेडी पहले डिस्कशन किया हुआ है तो देखो फर्स्ट का आंसर है थर्ड सेकेंड का आंसर है फोर सी का था फर्स्ट एंड डी का है सेकेंड तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नेक्स्ट रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इनका काम होता है कंज्यूमर्स को हेल्प करना एन बी एफ सी सर्विस बेसिकली हायर परचेज से रिलेटेड होते हैं नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एंड डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल सेविंग बैंक से रिलेटेड है तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू मैच द फॉलोइंग यहाँ देखो लिखा है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म एंड डिस्क्रिप्शन अब प्रोजेक्शन की बात करें तो ये बेसिकली प्लेसिंग अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स इन योर सेल्फ ऑन टू समवन एल्स रिग्रेशन रिटर्निंग टू अ प्रीवियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, रिप्रेशन पुलिंग इन टू द अनकॉन्शियस एंड सब्लिमेशन एक्टिंग आउट अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स इन अ सोशली एक्सेप्टेबल वे अब आप लोग बोलोगे कि मैम इस पैटर्न पे क्या क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं हाँ बिल्कुल एग्जाम में इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड ये ओवरऑल देखो सिर्फ टेन ही क्वेश्चन से रिलेटेड टू मैच द फॉलोइंग एंड इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसीलिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो रिलेटेड टू मैच द फॉलोइंग एंड अजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन उतना आपके लिए अच्छा होगा हमने अजर्शन रीजन से रिलेटेड एक सीरीज ऑलरेडी लॉन्च की है जो कि 24 सितंबर को हम लोग टेस्ट कंडक्ट करेंगे एंड वहाँ 100 एम होगा रिलेटेड टू तो अजर्शन रीजन बेस्ड स्टेटमेंट तो अगर उस सीरीज़ में आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और साथ ही साथ हमने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप की भी लिंक दी है वहाँ पर भी आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो मैच द तो फॉलोइंग से रिलेटेड भी बहुत जल्दी एक सीरीज लेकर के आएंगे सो दैट आप लोग की हंड्रेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो पाए एक ओवरऑल आइडिया लग पाए कि किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है उम्मीद करते हैं कि ये टेन क्वेश्चन आपको बहुत प्रॉपरली समझ आए होंगे अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो एंड अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहां हम लोग अजर्शन रीजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज के लिए बस इतना थैंक यू सो मच